नमस्कार, मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठक व्यवस्था। जो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। यह क्वेश्चन को पढ़ाने का मेरा रीज़न यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन SSC रेलवे या ग्रुप डी या व्यापम में पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है PWQ XR YZ और S अव्यवस्थित रूप में वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। Y ठीक Q और R के बीच में है। P ना तो X के हैं और ना ही Z के बगल में बैठा है। Q के दाएं Z है, X के बाएं से और Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, X किसके बीच में बैठा है, सेकंड है S के बाएं कौन बैठा है, और तीसरा है यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ है तो W किसके बाएं होगा। तो चलिए देखते हैं किसके बाएं होगा और क्या होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। PWQ XR YZ और S अव्यवस्थित रूप में वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग एक वृत्ताकार मैदान में बैठे हैं। तो चलिए इन लोग को बैठा देते हैं। तो चलिए मैदान बना लेते हैं, एक हम मैदान बना लेते हैं और उसमें बैठा देते हैं। 8 लोग को बैठाएंगे, कैसे कैसे बैठाएंगे चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं सब। इन सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठ लिए हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा है। वाई किसके किसके बीच में बैठा है, वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा है, मतलब इन दोनों के बीच में वाई बैठा है। पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है। उसके बाद देखते हैं क्यू के दाएं जेड है, क्यू के दाएं जेड है। तो चलिए जेड को पहले बैठा लेते हैं। क्यू के दाएं जेड है तो हम इधर बैठे हैं ना, तो इधर हमारा दाएं ये हो जाएगा, दाएं ये वाला हो जाएगा और इसका बाएं ये वाला हो जाएगा, है ना। तो इसके दाएं कौन बैठा है, जेड बैठा है। उसके बाद क्या कहता है, एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। तो चलिए देखते हैं कौन किसके बीच में बैठा है। Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है, Y के दाएं से मतलब इनके दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है S बैठा है। तो 1 2 3 तो Y के दाएं ये वाला हो गया, तो यहाँ बैठा लेते हैं। तो Y के तीसरे दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है और S के बाएं से तीसरे स्थान पर भी बैठा है। तो कहाँ बैठाएंगे X को, यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पर ये एक्स हो गया, एक्स से बाएं से। अब यहाँ इधर मुंह करके बैठे तो बाएं किधर होगा, इधर होगा, तो इनके बाएं से तीसरा स्थान पर एस बैठा है। तो 1 2 3 तो इनके बाएं से तीसरा एस बैठा है। अब उसके बाद बोला गया है पी ना तो एस के और ना ही जेड के बगल में बैठा है, तो उसको कहाँ बैठाएंगे। तो पी को चलिए यहाँ बैठा लेते हैं, यहाँ बैठा दिए। तो W बच गया है इसमें, इतना में W को यहाँ बैठा देते हैं। अब सभी को बैठा लिए हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया गया, S के बीच में कौन बैठा है, तो ये S के बीच में कौन बैठा है, W और R, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, W और R बैठा है। तो इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, B हो जाएगा आंसर। सेकंड देखता है S के बाएं कौन बैठा है, S के बाएं कौन बैठा है, जब मुंह का केंद्र केंद्र की ओर है तो इसके बाएं कौन बैठेगा, जेड बैठेगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, इसके बाएं में जेड बैठा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उनके चेहरे पर वृत्त के बाहर की तरफ हो, यानी कि ये वाला, जब हम इधर मुंह का केंद्र अंदर की ओर है, अब उनको बाहर की ओर बोला गया है, मतलब ये केंद्र के बाहर की ओर, ये मैदान हो गया है तो उनके बाहर की ओर बोला गया है ना, तो बाहर की ओर, तो डब्ल्यू किसके बाएं होगा, तो यहाँ पर W बैठा है ना। तो इधर मुंह किए थे तो बाएं इधर हो जाएगा, अब जब बाहर की ओर मुंह किए हैं तो W का बाहर
बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां। तो W किसके बाएं होगा, ये वाला, मतलब P के बाएं होगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, C वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। यह हमारा पार्ट टू वीडियो था, पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिए गए हैं, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। ऐसे ही इसका सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री या पार्ट फोर वीडियो अपलोड होते रहेगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।